पूरी दुनिया में रहते जो सिख हैं और पूरे पंजाब के सभी लोग हैं, धर्म के भेदभाव से ऊपर उठकर दिसंबर के आखिरी सप्ताह को शहीदी सप्ताह के रूप में नमन करते हैं। तो मैं आग्रह कर रहा हूं मैम स्पीकर को कि संसद की तरफ से उनकी जो कुर्बानी है, उनकी शहादत जो है उसको याद करते हुए श्रद्धांजलि दी जाए। कभी भी अब आज तक ऐसा हुआ नहीं है। भगवान सिंह मान, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। माननीय स्पीकर महोदया, हमारे देश में ये परंपरा रही है कि जब किसी भी धर्म का कोई खास दिन होता है तो सरकार की तरफ से संदेश जारी किया जाता है। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के दो छोटे साहबजादे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी को जिनको सत्कार से साहबजादे पुकारते हैं, उनको आज के दिन 9 व 6 साल की उम्र में सरहंद की दीवार में 1705 ईस्वी में चुनवा कर शहीद कर दिया गया था। उनकी याद में दुनिया के समूह सिख व पंजाब के सभी लोग धर्म के भेदभाव से ऊपर उठकर दिसंबर के आखिरी सप्ताह को शहीदी सप्ताह के रूप में नमन करते हैं। मेरा आपसे आग्रह है मैम कि संसद की तरफ से छोटे साहबजादों की लासानी कुर्बानी को याद करते हुए श्रद्धा और श्रद्धांजलि का संदेश दिया जाए ताकि आने वाली पीढ़ी को उनकी इस बेमिसाल कुर्बानी की याद रहे और उनकी इस कुर्बानी को देश नमन करता रहे। पूरा सदन प्लीज लिसन टू मी व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट बहुत एक बहुत सीरियस बात पे बोल रही हूँ, छोटे छोटे बच्चों की शहादत पे बोल रही हूँ, बात को समझो। आई नो इट, प्लीज। मैंने यही कहा, पूरा सदन उनकी जो शहादत हुई है, जो बहादुरी दोनों बच्चों ने दिखाई है, मैं भी जानती हूँ कि जब बड़े बच्चों के आंख में आंसू थे तब पूछा गया कि तुम्हें डर लग रहा है क्या मौत का, छोटे बच्चा भी रो रहा था, तब वो छोटे बेटे ने कहा कि मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि मेरा बड़ा भाई पहले शहीद होगा, वो ऊंचा है, वो पहले दीवार में छोटा भाई जाएगा, मैं बाद में जाऊंगा। ये बड़े बेटे ने कहा इस तरीके से, बहुत ही जिसको कहते हैं शौर्य के साथ, धैर्य के साथ उन्होंने अपना बलिदान दिया है। और इसलिए पूरे देश की संवेदना ही नहीं, पूरा देश इसमें सम्मिलित है कि ऐसे कई लोगों के जो बलिदान हुए हैं इसको देश भूल नहीं सकता है। इसलिए मैंने कहा पूरा सदन साथ में है इन बातों में। हमारे साथ इस समय है आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान। सर, आज आपने जो है अंदर एक मुद्दा उठाया, चार जो साहबजादे हैं उनका एक शहीदी जो हफ्ता मनाया जाता है, उस मुद्दे को आपने उठाया, थोड़ा सा उसके अंदर प्रकाश डालिए। देखिए, आज मैंने सुबह मैम स्पीकर के कमरे में जाकर मैंने एक पत्र दिया था कि आज के दिन 1705 ईस्वी में श्री गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादे, सत्कार से साहिबजादे पुकारा जाता हूँ, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह, जो 9 और 6 साल की उम्र में उनको सुबह सरहंद ने सरहंद की दीवार में चुनवा कर शहीद किया था। और पूरी दुनिया में सिख लोग हैं, पंजाब में सब लोग जो है इस दिसंबर के इस आखिरी हफ्ते को शहीदी सप्ताह के रूप में मनाते हैं, याद किया जाता है, नमन करते हैं। और दो बड़े साहबजादे जो थे वो चमकौर की गढ़ी की जंग में शहीद हुए, आज के दिन छोटे साहबजादों की शहीदी हुई, और माता गुजर कौर जो है उनकी शहीदी। तो मतलब पूरा परिवार एक तरह से उन्होंने कुर्बान किया देश कौम पर, तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए मैंने मांग पत्र दिया था। और मैं आभारी हूँ बंगाल के सांसद और कुछ पंजाब के बहुत सांसद, उन्होंने इकट्ठे होकर इस मांग को जोर से उठाया। और उसके बाद पहली बार हुआ है कि संसद में ऑन रिकॉर्ड मैडम स्पीकर ने साहबजादों की शहीदी को नमन किया ताकि आने वाली हमारी जनरेशन उनकी शहीदी को याद रख सके।